सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस 40वीं कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहा है, क्योंकि हमारा एक एक दिन एक एक जीवन के बराबर होता है। एक क्षण भी यदि हमारा निरर्थक गया, एक दिन भी यदि हमारा उपलब्धियों से भरा नहीं हुआ, तो समझो कि हमारा एक जीवन चला गया। परम पूज्य स्वामी महाराज ये बार बार कहते हैं कि आप प्रातः उठें और ये संकल्प करें कि ये एक दिन मेरे एक जीवन के बराबर है। एक एक क्षण का सदुपयोग हो, एक एक क्षण का हम अपने सदकर्मों के लिए, सद्धर्म के लिए उसका प्रयोग करें, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम प्रातः ही पूरे होशो हवास में, जागरूकता में जिए, जल्दी से ब्रह्म मुहूर्त में उठें। तो प्रातः की दिनचर्या के विषय में जो पीछे चर्चा चल रही थी, पीछे कक्षा में आप लोगों कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी ओम स्वामी जी, ये पिछली कक्षा में आपने बताया था विषय भोगों का ज्यादा इस्तेमाल करना भी एक कारण हो सकता है नहीं उठने का, जो व्यवहार पर, मन पर, विचार पर उसका प्रभाव पड़ता है जी। तो पहले तो मैं भी था जब उस संसार की दुनिया में, तो उसका प्रभाव तो थोड़ा बहुत पड़ता ही है। हाँ। पर स्वामी जी, अब वैसा माहौल इन्वायरमेंट मिला है तो अब तो सहज महसूस हो गया। 3:45 में उठते हैं, वैदिक गुरुकुलम का दिनचर्या है जो, पर जो संसार की दुनिया में रहते हैं, विषय भोग का तो प्रभाव उसको रहता ही है, तो वो कैसे बच सकता है, वो कैसे माहौल बना सकता है? बहुत सुंदर बात आपने पूछी, बहुत ही उत्तम है। क्योंकि विषय भोग की जो भावना है, जो तृष्णा है, व्यक्ति कहीं भी बैठे, यदि उसके अंदर उसके भोग के प्रति तृष्णा है, विषयों के प्रति तृष्णा है, या विषयों का अधिक सेवन करता है, विषयों का जैसे गृहस्थ में है लोग, या जो अनेक प्रकार के भोगों को भोगते हैं, वे व्यक्ति कभी भी समय से नहीं उठ सकते, चाह करके भी, क्योंकि उनका शरीर इतना शिथिल हो जाता है कि वो चाह करके भी नहीं उठते हैं। शरीर उनका टूटता रहता है, वो चलना फिरना, उठना बैठना सब उनका बहुत ही आलस्यपूर्ण होता है, क्योंकि उनका जीवन संयमी नहीं है। और संयम ही जीवन है, जो संयमित जीवन नहीं जीता है, जो मर्यादित जीवन नहीं जीता है, वो कभी भी दिनचर्या का पालन नहीं कर सकता है। इस बात को नोट कर लीजिए आप, जिनका जीवन संयमित नहीं है, इंद्रियों में जिनका नियंत्रण नहीं है, वह व्यक्ति कभी भी प्रातः काल नहीं उठ सकता, क्योंकि उसके विचार उसी के लिए चलते रहते हैं। एक एक क्षण क्षण पल पल उन्हीं विषयों में आसक्त रहता है, मन में वही चीज चलती रहती है। यदि उसको समय पर सुला भी दिया जाए, जैसे एक बिंदु बताया था कि समय से न सोना, अधिक रात्रि तक जागना, तो एक चिंता में भी लोग जागते रहते हैं, कुछ जो है अनेक प्रकार के फूहड़ मनोरंजन में जागते रहते हैं, तो वो स्थिति में क्या है कि विषयाशक्ति का तात्पर्य यहां पर ऐसा समझें कि उसके मन में जो बात चलती रहती है, फिर वो स्वप्न में भी वो बात चलती रहती है। स्वप्न में जब चलेगी तो चाहे 4 बज जाए, चाहे 5 बज जाए, चाहे 6 बज जाए, वो उसी में आसक्त रहेगा, उसी में घूमता रहेगा, वो उठ नहीं सकता सुबह। और उल्टा वो सुबह ये भी बोलता है कि सुबह का देखा हुआ सपना साकार होता है। ऐसे लोगों ने भी जो है मान्यताएं बना ली हैं कि सुबह सुबह जो सपना आता है वो साकार हो जाता है, वो सही होता है, सच होता है। तो इसका तात्पर्य क्या है, मैं उसको विपरीत स्थिति में लेकर बताता हूं कि सुबह वो जरूर सोएंगे, कि सुबह सपने आएंगे तो वो सच होंगे, तो वो कर्म नहीं करेगा, कर्म करने से बचेगा। तो ये बात भी बिल्कुल निरर्थक है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हाँ,
कर्म जैसा कर्म व्यक्ति करेगा वैसा उसको परिणाम मिलेगा। कोई सपने आने से, अब किसी को सपना आया कि मैं आकाश में उड़ रहा हूँ, सुबह ही आया, तो क्या वो आकाश में उड़ सकता है क्या? हाँ, ये है कि जो है हवाई जहाज से उड़े वो बात अलग है, ऐसे उड़ नहीं सकता। किसी को सपना आया कि मैं जो है गधे का सींग देखा, तो गधे का सींग कभी होता है क्या? नहीं होता। तो कुछ निरर्थक चीजें हमको नहीं माननी चाहिए और इस पर हमको पूरे नियंत्रण के साथ आगे बढ़ना चाहिए, एक भी क्षण हमारा असंयमित ना हो। और संकल्प के साथ, संकल्प है, आपको किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने संकल्प किया मुझको 3:45 पर जागना है, चाहे घंटी बजे चाहे ना बजे, आपकी नींद खुल जाएगी। ये व्यक्तिगत हमारा भी अनुभव है, संकल्प किया कि आज इस समय उठना है, उसी समय नींद खुल जाएगी। हाँ, कुछ लोग भले ही उठे नहीं उठेंगे तो नींद तो आ जाएगी, नींद तो आ ही जाएगी, आप नहीं उठेंगे तो, लेकिन वो हृदय, वो संकल्प शक्ति आपकी जरूर काम करेगी, वो आपकी इच्छा जरूर काम करेगी, चाहे अच्छी इच्छा हो चाहे बुरी इच्छा हो। आपने ऐसा संकल्प सोते सोते किया, आप कुछ ऐसे जो है पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते या कुछ ऐसे दृश्य देखते देखते, ऐसी फिल्मों को देखते देखते आपने जो है शयन किया या सो गए, पता ही नहीं चला, तो वही चीज आपके दिमाग में चलती रहेगी, घूमती रहेगी। इसीलिए तो जब ये शयनकालीन चर्या हम बताएंगे तो उसमें शिव संकल्प मस्तु कहा ना, जब आप सोएं तो शिव संकल्प मस्तु बोलते हैं ना, तन्मे मनहा शिव संकल्प मस्तु, ये मेरा जो मन है ये शिव संकल्प से, कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो, क्योंकि आपने संकल्प तो किया नहीं। जब आप बेहोशी पूर्ण जीवन जिएंगे, आसक्ति पूर्ण जीवन जिएंगे, भोग विषयों के प्रति आसक्ति आपकी रहेगी, तो वो वही चीज चलेगी, शिव संकल्प कहां हुआ? इसीलिए वैदिक जो जीवन पद्धति है, जो ऋषियों की पद्धति है, उसमें कहा तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। प्रातः की चर्चा चल रही थी तो प्रातः का जो ये मंत्र गान है उसमें भी क्या क्या सुंदर विचार हैं वो भी आप सुनेंगे, तो ये बात आपको समझ में आ गई जी? आगे ओम स्वामी जी, जी जैसे आप पिछली कक्षा में बोले हैं सुबह उठ के पहले हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर को, जी जप करते हैं या प्रार्थना करते हैं, उसको उपासना करते हैं, यहाँ दो बातें आते हैं, एक तो अग्नि देवता बोलते हैं, सूर्य देवता बोलते हैं और वरुण देवता इत्यादि बोलते हैं, और एक ईश्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईश्वर। एक तो देवता बोलते हैं, एक देवता जल देवता और ईश्वर। ईश्वर, ठीक जी जी जी। तो इनमें तफात क्या है, इनमें अंतर क्या है? जैसे हम एक देवता भी बोलते हैं, ईश्वर भी बोलते हैं, और देवता भी 33 कोटि देवता बोलते हैं, तो इस बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो इसमें एक एक शब्द पर ध्यान देते हुए, ये अग्नि क्या है? देवता है। देवता का तात्पर्य, ये जो देवता, अग्नि देवता है, जल देवता है, वायु देवता है, ये पंच जो महाभूत हैं, ये पांच जो तत्व हैं, ये क्या है? देवता कहलाते हैं। देवता का तात्पर्य होता है देने वाला। देवता का तात्पर्य क्या है? देने वाला, जो कुछ देता है। जैसे जल है तो जल कुछ देता है कि नहीं देता? आपसे मैं पूछूं, जल कुछ देता है कि नहीं आपको? देता है। यदि जल ना हो तो जीवन नहीं हो सकता, जल ही जीवन है, लोगों ने कह दिया जल ही जीवन है। तो ऐसी दृष्टि से ये जो पंच भूत महाभूत हैं, पंच तत्व हैं, इनको भी देवता कहते हैं, क्योंकि इनके ही कारण हमारा जीवन है, ये हमको जीवन देते हैं, हमारा अस्तित्व इनसे बना रहता है। यदि जल की कमी हो जाए तो व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाता है, उसको अलग से ग्लूकोज के माध्यम से जल देते हैं, देते हैं कि नहीं देते, बोतल लगानी पड़ती है। इसलिए ये जो अग्नि है, अग्नि भी देवता है। अग्नि क्या है? देवता है, क्योंकि बिना अग्नि के शरीर हमारा ठंडा पड़ जाएगा, जठराग्नि यदि मंद पड़ जाए तो भोजन पचेगा नहीं, है कि नहीं, और शरीर का जो बीपी है, ब्लड प्रेशर,
जो रक्तचाप है वो क्या हो जाता है, लो हो जाएगा, रक्तचाप निम्न हो जाएगा, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप। अग्नि जैसे जैसे कम होगी व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है, तो शरीर ठंडा होगा तो फिर लोग क्या करते हैं, ऊपर से गर्मी देते हैं, उसके हाथ पैर रगड़ते हैं, है कि नहीं। तो ये शरीर में अग्नि की परम आवश्यकता होती है, बिना इसके जीवन चल नहीं सकता है। तो ये पांच प्रकार के देवता हैं। और फिर ये पंच जो देवता हैं, जो जैसे आचार्य देव, मातृदेवो भव, माता भी देवता है, पितृ जो पिता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, ये सब क्या है, ये भी देवता है, ये देव है। तो देवता के रूप में यदि आप समझना चाहते हैं तो अब आपके मन में ये शंका होनी चाहिए कि देवता, एक तो आपने पृथ्वी को भी बता दिया, मिट्टी जो है जल को भी बता दिया, और ये आचार्य को भी माता को भी देवता बता दिया, तो पूजा किसकी करें, ऐसे देवताओं की पूजा करनी चाहिए, पूजा किसकी करें। तो देवता दो प्रकार के होते हैं, एक जड़ देवता और एक चेतन देवता। एक जड़ से हमको जो जीवन मिलता है और एक चेतन से जो जीवन मिलता है। तो जो चेतन देवता हैं उनमें जैसे हमने बताया माता पिता गुरु आचार्य अतिथि, ये कौन से हैं, ये चेतन देवता हैं। और जड़ देवता के विषय में जैसे बताया कि ये पंच महाभूत, चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो ये पांच तत्वों से जो शरीर बनता है, और ये पांच तत्व तो उपलब्ध कर दिए जाए भाई, ऑक्सीजन यहाँ पर रख दी जाए, थोड़ी सी मिट्टी ला के रख दी जाए, अग्नि जला दी जाए, सब कुछ यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया जाए, लेकिन यदि माता पिता ना हो तो क्या संतान की उत्पत्ति हो सकती है। पांच तत्व तो इकट्ठे कर दिए यहाँ पर, पांच तत्व इकट्ठे कर दिए, लेकिन व्यक्ति का निर्माण कैसे होगा। व्यक्ति का निर्माण तो जब तक माता पिता नहीं होंगे तब तक नहीं होगा ना, हमारा जो अस्तित्व है माता पिता से ही है, तो वो भी जो है देवता है। दूसरी बात, वो हमको जन्म देते हैं, जन्म दे करके हमारा पालन पोषण करते हैं, पालन पोषण करते करते हमको शिक्षा देते हैं, हमको संस्कार देते हैं, इसलिए वो माता पिता भी देवता हैं। और जैसे बड़े हुए तो गुरुकुल में गए, तो वहाँ पर जो है आचार्य हमारा देवता है, गुरु हमारा देवता है, क्योंकि वो भी हमको ज्ञान दे रहा है, हमारे जीवन में ज्ञान का आधान कर रहा है। जो अतिथि हैं वो भी देवता कैसे, क्योंकि वह अपने पूरे जीवन का जो सार है, जो जीवन के अनुभव हैं, वो हमारे घर आकर के बताता है, या हमको उससे इतना ज्ञान मिलता है, उसके अनुभव से इतना ज्ञान मिलता है कि हमारे स्वभाव में परिष्कार हो जाता है, हमारा स्वभाव अच्छा हो जाता है, बिना कुछ किए हमको ज्ञान मिल जाता है। तो वो अतिथि भी क्या है, देवता है। तो ये आपने देवताओं के विषय में पूछा, तो ये देवता कहलाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो अब आगे चलते हैं। ये तो यहाँ अग्नि के रूप में मैंने बताया कि देवता है, लेकिन यहाँ पर जो अग्नि की बात आई है, यहाँ पर प्रातर अग्निम, ये जो प्रातर अग्निम है, इस प्रातर अग्निम का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर ये भौतिक अग्नि की बात नहीं कही जा रही है, ये जो अग्नि की बात यहाँ पर है, ये परमपिता परमेश्वर के प्रति है। अब उसको भी अग्नि क्यों कहते हैं, क्योंकि परमात्मा के हजारों हजारों नाम हैं, और उसके गुण के कारण उसके नाम हैं। अग्नि में भी कुछ गुण ऐसे हैं, लेकिन वो पूरे पूरे परमात्मा के जैसे नहीं, क्योंकि वो अग्नि में भी जो ताप है, जो ऊष्मा है, वो कहाँ से आती है, वो परमात्मा के द्वारा आती है, परमात्मा की शक्ति से ही अग्नि में तत्व है, उसमें जो है तेज है, वह तेजोमय है। तो यहाँ पर उस अग्नि को परमपिता परमेश्वर का रूप समझना चाहिए, क्योंकि उस अग्नि से हम कुछ सीखते हैं,
अग्नि का क्या गुण होता है कि वह जिसको अपने अंग में लेती है, अपने आंचल में बिठा लेती है, अर्थात अग्नि में कोई चीज ऐसी डाले तो अग्निमय ही हो जाता है वो, चाहे मिट्टी हो, चाहे सोना हो, चाहे लोहा हो, चाहे लकड़ी हो, कुछ भी आप डालेंगे तो वह अग्नि उसको अपने जैसा बना लेती है। अग्नि कैसा बनाती है? जैसी अग्नि है वैसे ही उसको बना लेती है। तो हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा के अंदर, परमात्मा के जो गुण हैं वह हमारे अंदर भी आए, हमारे अंदर भी उदारता का भाव आए, हमारे अंदर भी विद्वता आए, हमारे अंदर भी तेजस्विता आए। जैसे परमात्मा तेजस्वी है, वो प्रकाशों का भी प्रकाश है, सूर्य चंद्र अग्नि आदि में जो भी प्रकाश है वो कहां से है? वो परमात्मा से है। उस परमात्मा की शक्ति से हम ओतप्रोत हो, इसलिए उस परमात्मा का हम चिंतन करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये समझिए कि अग्नि में जब कोई पदार्थ डालते हैं, कितना भी दूषित हो, कितना भी मल सहित हो, जब उसको डालते हैं तो वो मल हट जाता है, उसका कट जाता है, वो मल रहित हो जाता है। कोई भी धातु आप डालें, कोई भी पदार्थ डालें, यदि उसमें गंदगी है तो गंदगी क्या हो जाती है? साफ हो जाती है। लोहे में कितना जंग लगा हो, आप लोहे को पीटेंगे, गर्म करेंगे, नया जैसा हो जाता है। सोने में कितनी ही गड़बड़ी हो, सोने को तपा देते हैं तो कुंदन बन जाता है। ऐसे ही हमको उस परमात्मा के सानिध्य में रह करके जो हमारे दुर्गुण हैं, जो हमारे दुर्विचार हैं, जो हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष और क्रोध की भावनाएं हैं, वो क्षीण हो जाती है जब परमपिता परमेश्वर की सन्निधि में रह जाते हैं, उसकी शरणागति को जब प्राप्त करते हैं, तो वह परमात्मा हमारे दुरितों को नष्ट कर देता है, हमारे दोषों को जला करके भस्म कर देता है। इसलिए कहते हैं प्रातरग्निम, हम उस अग्नि का आह्वान करते हैं, उस अग्नि की उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं, जो अग्नि हमको पवित्र बनाती है, जो अग्नि हमको दोषों से बचाती है, हमारे दोषों को नष्ट करती है। इसलिए अग्नि की बात यहां पर कही गई है। और अग्नि मेड़े पुरोहितम, इसलिए कहा कि जो अग्नि है वो अग्रणी होती है, अग्नि अग्रणी भवती, वो आगे होती है। अंगम रहती सम्मनाया, जो अंग अपने को स्वीकार करती है, सारे दोषों को क्षीण कर देती है। इसलिए इसको यहां पर अग्नि की बात कही कि प्रातः, इस प्रातः वेला में हम अग्नि की उपासना करते हैं, अग्नि को स्मरण करते हैं, अग्नि का आह्वान करते हैं, उसको बुलाते हैं। यद्यपि अग्नि बुलाना वो तो जर्रे जर्रे में समाया है, कण कण में वह विद्यमान है, फिर भी हमारे विचार ऐसे भावों से ओतप्रोत रहें, हम उसको कभी भूले नहीं, इसलिए इस बात को यहां पर कहा जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? कोई प्रश्न हो तो पूछिए जी। ओम, जैसे पिछले में आपने बताया जब प्रातः काल उठना चाहिए तो उस समय हम उठकर क्या करें, और दूसरी बात जैसे आहार के बारे में बताया तो मान लेता है यहाँ पे जो गुरुकुल में, वैदिक गुरुकुलम में है, यहाँ का जो है आहार व्यवस्था ठीक है, तो यहाँ हमारा स्वभाव दिनचर्या सुबह से शाम तक सोने के समय तक ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो विभिन्न जगह पे जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद हमारा ऐसा तो आहार मिलेगा नहीं, फिर तो उस समय हमारा जो है फिर जो स्वभाव दिनचर्या व्यवहार ये सब तो विपरीत हो जाएगा, तो फिर क्या होगा इसके विषय में आप बताइए। बिल्कुल ठीक बात आपने उठाई यहाँ पर कि यहाँ तो गुरुकुल में सब ठीक चल रहा है, आहार भी ठीक है, विचार भी ठीक है, व्यवहार भी ठीक है, तो यहाँ की दिनचर्या ठीक चल रही है, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो वहाँ का आहार भी ठीक नहीं मिल पाता है,
और अनेक प्रकार के दोष युक्त कार्य होते हैं, तो वहाँ कैसे अपने आप को संभालें। तो उससे यही आप ये समझिए कि आपने जैसा जाना है, जैसा समझा है, जैसा आपके अंदर ज्ञान है, वैसा जीने का प्रयास करें। हर स्थान पर वैसी आपको प्रतिकूलता मिलेगी, वैसी अनुकूलता मिलेगी, यह संभव नहीं है। जहाँ कहीं आपको अनुकूलता है, दूसरे स्थान पर जाएंगे प्रतिकूलता मिलेगी। जहाँ प्रतिकूलता है, वहाँ से कहीं दूसरे स्थान पर जाएंगे तो अनुकूलताएं मिलेंगी। अनुकूलता और प्रतिकूलता जीवन के दो पहलू हैं, इनसे आप बच नहीं सकते। फिर बचने का उपाय क्या है? बचने का उपाय यही है कि अपने आप को संकल्पित बनाए, अपने आप में संकल्प इतना दृढ़ रखें। तो संकल्प यदि दृढ़ है आपका, तो ऐसे कहीं भी आप जाएंगे, कुछ ऐसी स्थिति जरूर बन जाएगी कि जहां पर आपको उस प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का अनुभव होने लगेगा। जरूरत है दृढ़ संकल्प की, जरूरत है आपके विचारों में आपके नियंत्रण की। जहां पर आहार ठीक नहीं है, तो अपने विचारों से, अपने संकल्प से वहां के आहार को आप ठीक करिए। किसी के घर में अतिथि के रूप में गए आप, तो एक दिन दो दिन रहेंगे अधिक से अधिक, तो उसके घर में क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है, उसका भी ध्यान रखें। पहले आहार पर बहुत ध्यान देते थे लोग कि भाई इनके घर का भोजन करना है, इनके घर का भोजन नहीं करना है। वो इसी कारण से होता था कि उसका विचार व्यवहार गुण धर्म कैसे हैं, स्वभाव कैसा उसका, ये बहुत ही प्रभावित करने वाला है। जो भोजन बनाने वाला है, भोजन करने वाला है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे माताएं भोजन बनाती हैं, माताएं भोजन बनाती हैं, तो माताओं की जो भावनाएं हैं उस भोजन के साथ हमारे स्वभाव में आती हैं। और जो भोजन हम होटल में करते हैं, कहीं विशेष कार्यक्रमों में करते हैं, हो सकता है भोजन तो स्वादिष्ट हो लेकिन उसमें भावना नहीं है। भावना युक्त यदि कार्य है तो उसमें हमको संतोष रखना चाहिए। ये आपको जरूरी नहीं है कि जैसे किसी के घर में गए, हो सकता है रसोई बनाने में 10 बज जाए रात्रि में, तो एक दो दिन की बात तो कोई बात नहीं, ऐसा तो हो जाता है, लेकिन हर समय ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आहार के विषय में जो आपने बात पूछी, वो उसको अनुकूलता अपने ऊपर निर्भर करती है, उसको हम बनाने का प्रयास करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ भी जो हमारे लिए कल्याणकारी है वो यहाँ पर नहीं है, नहीं है तो उससे हताश निराश मत होएं, उससे आगे बढ़ करके अपने जीवन को बढ़ाने का प्रयास करें। जी ओम स्वामी जी, जागने के बाद कितने समय तक जलपान प्रातराश होना चाहिए? जी अभी उस क्रम में हम चल रहे हैं, जैसे हम अभी जागने की बात कर रहे हैं, जागने के बाद हम मंत्र पाठ कर रहे हैं, तो मंत्र पाठ के बाद फिर शौच, दंत धावन और प्रातराश और योग प्राणायाम, इसी क्रम में हम उसको लेंगे, इसका हम आगे भी चर्चा करेंगे इसकी। तो अभी इतनी बात आपको समझ में आ गई, आगे चलते हैं। प्रातरिंद्रम, प्रातरिंद्रम इस प्रातः काल की वेला में हम इंद्र का आह्वान करते हैं, इंद्र की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। अच्छा, इंद्र कहने पर क्या बात आती है? इंद्र कहने पर लोगों के मन में आता है कि वो हाथी, ऐरावत हाथी वाले इंद्र हैं, और वो जो है हाथ में वज्र लिए होंगे, और वो इंद्र का जो एक राजा है, उस देवताओं के राजा इंद्र की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी कथाएं हमने पढ़ी हैं, समझी हैं, जानी हैं, तो वही चित्र उपस्थित होता है। इंद्र एक शक्ति है, इंद्र परमात्मा का विशेष नाम है। जैसे वह इंद्र, इदि परम ऐश्वर्य धातु से इंद्र शब्द की सिद्धि होती है। इदि परम ऐश्वर्य, इंद्र का तात्पर्य क्या है? जो परम ऐश्वर्यशाली है, जिसके ऐश्वर्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, उसको इंद्र कहते हैं। इंद्र अपने
घर का कोई इंद्र हो सकता है, जो घर का मालिक है वो घर का इंद्र है, जो गांव का मालिक है वो गांव का इंद्र है, जो राष्ट्र का मालिक है स्वामी है वो राष्ट्र का इंद्र है। ऐसे ही इस पूरे ब्रह्मांड का जो इंद्र है वो क्या है, वो परमपिता परमेश्वर है, जिसकी ही उपस्थिति हम सबका जीवन चला रही है। ये सारे कार्यों का संपादन बहुत ही अच्छी प्रकार से हो रहा है। वह परम पिता परमेश्वर इंद्र स्वरूप है, वह ऐश्वर्यशाली है, किसी भी प्रकार की उसके यहां कोई न्यूनता नहीं है, इसलिए उसको इंद्र कहते हैं। जैसे शरीर का इंद्र क्या है, आत्मा है। यदि आत्मा ना हो तो यह शरीर कोई काम कर नहीं सकता। ऐसे ही इस शरीर का इंद्र आत्मा है और इस सारे ब्रह्मांड रूपी जो शरीर है उसका इंद्र कौन है, परमात्मा है। इस प्रकार से इसको हमको समझना चाहिए। तो कह रहे हैं कि इंद्रम परम ऐश्वर्य के दाता और सर्वशक्तिमान को हम इस प्रातः काल की वेला में उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, उसको चाहते हैं वो हमारे जीवन में आकर के हमारे जीवन का उत्कर्ष करे। आगे कह रहे हैं प्रातर मित्रा वरुणा, जो मित्र वरुणा है अर्थात प्राण उदान के समान प्रिय, जो परमात्मा प्राण और उदान के समान प्रिय है उसको सर्वशक्तिमान ईश्वर को हम बुलाते हैं, उसकी स्तुति प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं। प्रातर अश्विना प्रातर भगम, भग ऐश्वर्य यहां पर भी आया, भाग प्रातर भगम। भगम का तात्पर्य क्या है, जो ऐश्वर्यशाली है, ऐश्वर्युक्त है, भजनी है, सेवनी है, भज सेवायाम, जो सेवन करने के युक्त है, सेवन करने के योग्य है, जो भजन करने के उपयोग जो भजनी है, उस परमात्मा की हम स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं। और पूषणम प्रातर भगम पूषणम पुष्पुष्टौ, जो हमारी पुष्टि करता है हर प्रकार की, शरीर से भी, तन से, मन से, हर प्रकार के ज्ञान से, धन से, संपदा से, जो हमारी पुष्टि करता है, हमको न्यूनता से रहित करता है, हमारे जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रह जाती है, ऐसे उस परमेश्वर को, पुष्टि प्रदाता परमात्मा को हम बुलाते हैं, उसका आह्वान करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। प्रातःकाल उठ करके परमपिता परमेश्वर के गुणों का चिंतन करके उसका गुणगान करना चाहिए, उसका ध्यान, उसकी उपासना, प्रार्थना करनी चाहिए। तो आज यहीं तक एक मंत्र की व्याख्या हमने की, शेष चार मंत्रों की व्याख्या अगले भागों में करेंगे। ओम शांति 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 ही।